प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 ईश्वर की जय। आओ हम मिलके करें वंदना, बोलो जय 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 ईश्वर की जय। स्तुति प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 ईश्वर की जय। आओ हम मिलके करें वंदना, बोलो जय 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 ईश्वर की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। ओ यहोवा चरवाह मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। ओ यहोवा चरवाह मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। हमें ना किसी चीज की कमी होगी, हमें ना किसी चीज की घटी होगी, हमें ना किसी चीज की, बोलो हमें ना किसी चीज की। आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा, यीशु के लिए। तो आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा, आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो वे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। मेरे साथ का स्तुति प्रशंसा हो वे सदा, बोलो
जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया, हाथों में शिफा है, वो यहोवा
worship you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nice to be together Saturday evening. ये Saturday शाम को आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है. Last week we celebrated. पिछले हफ्ते हमने मनाया. The Feast of Pentecost. जो Pentecost का पर्व है. Feast of Pentecost is an experience. ये Pentecost का सन एक अनुभव है. Let me tell you. मुझे आपको बताने दो. God cannot be taught. God can be revealed. परमेश्वर को सिखाया नहीं जा सकता है. परमेश्वर को प्रकट किया जा सकता है. Thank God for all the teaching. आज हम सारे टीचिंग के लिए धन्यवाद देते हैं. But God has revealed Himself. लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है. Pentecost, इस Pentecost के God has revealed himself in the manifestation through his spirit. इस पर्व के अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को प्रकट किया. And it's an everyday experience. और ये हर रोज का अनुभव है. With Jesus. यीशु मसीह के साथ. Through Holy Spirit. पवित्र आत्मा के So द्वारा. I pray. तो मैं प्रार्थना करता हूं. That you can have the everyday experience. कि आपके पास ये रोज का अनुभव हो. Bible says. Bible कहती है. Don't hurt the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखाइए नहीं. Don't grieve the Holy Spirit. उसको बुझाइए नहीं. Don't quench the Holy Spirit. उसको बुझाइए नहीं. But have a fellowship with the Holy Spirit. लेकिन उसके साथ संगति करो. As many as led by the Holy Spirit. जितनों को भी पवित्र आत्मा चलाता है. Are the sons of God. वो परमेश्वर के पुत्र है. Father in Jesus name. पिता यीशु के नाम से we commit this evening service at your feet. सभा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. And as you meditate upon thy Holy Spirit. जैसे हम तेरे पवित्र आत्मा पर मनन करें. Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत. Lead us and guide us. आप हमें चला और मार्ग reveal to each one of us. हर एक को प्रकट कर. The secrets of God. तेरे जो रहस्य की बात है. That we may have the abundant. ताकि हम बहुतायत का जीवन. And led by you. और तेरे द्वारा चलाए. To become the sons of God. ताकि हम तेरे संतान पुत्र. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Amen.
I want to share with you about Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के विषय से आपको बात करना है. Works of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य. There are few things, a few points I want to share with you. कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बताना है. How sure we can be that we have received the Holy Spirit? कि हम कैसे खात्री से बता सकते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है. Last week we all celebrated the Pentecost feast of Pentecost. पिछले संडे हमने पेंटिकॉस्ट के सन को मनाया. We celebrated the door that God opened. हमने उस द्वार को मनाया जो परमेश्वर ने खोला. To send His Holy Spirit in Jesus' name to the world. ताकि यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो पवित्र आत्मा इस जगत में भेज सके. That people don't need to tarry, people need to receive and accept Holy Spirit. कि अभी लोगों को रुकना नहीं है, लेकिन उनको पवित्र आत्मा को स्वीकारना है. On that day, 120 people were filled with the Holy Spirit. उस दिन 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए. And they went forth in whole world. और वो पूरे जगत भर में गए. Continuing. वो कार्य को आगे लेते. Jesus says. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा. To His disciple, wait. उसके चेलों को कहा कि रुको. Until the time, जब तक you receive Holy Spirit and fill with power, जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता और सामर्थ्य से आप नहीं भरते हो. And 120 people, और 120 लोग, on 50th day, उस 50वें दिन पर, fill with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भर गए. That was a promise of God, जो परमेश्वर का वादा था. Jesus promised that I will send my Spirit to you. यीशु मसीह ने वादा किया था कि मेरी आत्मा मैं तुम पर भेजूंगा. It was a promise, book of Joel, second chapter and 26-28, that Jesus said, God says that I will send my Spirit upon all the flesh. Joel, दूसरा अध्याय 28वां वचन के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर वादा करता है कि मैं मेरा आत्मा सारे मनुष्य जाति पर उंडेलूंगा. And I want to share with you. और मुझे आपसे बांटना है. Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. To Philip. फिलिप से. It is good for me to go. ये अच्छी बात है कि मैं चले जाऊँ. When I go. क्योंकि जब मैं जाऊँगा. I will send you Spirit of Truth. मैं सत्य का आत्मा तुम पर भेजूंगा. And He will lead you and guide you. और वो आत्मा तुम्हें चलाएगा और मार्गदर्शन करेगा. And book of 16 chapter of book of John. और यूहन के 16वें अध्याय में हम देखते हैं. He speaks about the works of the Holy Spirit. वहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में कहता है. When Holy Spirit will come. जब पवित्र आत्मा आएगा. What will He do? तब वो क्या करेगा? Now let me share certain truth with you. कुछ सत्य मुझे आपसे बांटना है. This one of the thing. उसमें से एक बात है. That in Pentecost day. कि पेंटिकॉस्ट के दिन पर, when people were filled with the Holy Spirit. जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए. Inward filling of the Holy Spirit, the outward was a sign of praying in tongue. जब वो अंदर पवित्र आत्मा से भर गए, तब एक चिन्ह उनको मिला कि वो अन्य भाषा में बात करने लगे. Again I said. फिर से मैं कहता हूँ. Outward sign of inward filling of the Holy Spirit is praying in tongue. जो भारी चिन्ह है जहां पर दिखता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो चिन्ह है कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं. But that is not only. लेकिन ये उतना ही नहीं है. Let me share with you. मुझे आपसे बांटना है. How do we know are we filled with the Holy Spirit? कैसे हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं? How do we know the praying in tongue is genuine? कैसे हम जान सकते हैं कि जो अन्य भाषा है वो सत्य है या सच्चा है? How do we know? कैसे हम that we have utterance from the Holy Spirit. कि हमारे पास परमेश्वर के शब्द है. We have unction to function in the ministry of the Holy Spirit. कि हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ताकि हम वो सेवा कार्य के अंदर There's आगे बढ़े. Certain thing I want to tell you. ये कुछ बातें मुझे आज आपसे Bible बात says when you receive the Holy Spirit. बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा हम ग्रहण करते हैं. There are certain thing has to happen in our life. कुछ बातें हमारे जीवन में होना है. When this happen in our life. जब ये बातें हमारे जीवन में होते हैं. Then we are sure of we have the Holy Spirit. तब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है. Let's read Book of John. हम यूहन इसका किताब पढ़ेंगे. 16 chapter. 16वां अध्याय और 13वां वचन. And 13th onward. जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम में आने वाले बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमावंत करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिले वह तुम्हें वही बताएगा। When the Spirit of Truth comes, when the Spirit of Truth comes, he does not say if the Spirit of Truth comes, he says when the truth, Spirit of Truth comes. वहां पर लिखा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है अगर सत्य का आत्मा आएगा। Yes, he will guide you into all truth. He will guide you into all the truth. Let me tell you, he will guide you into all the truth. He will not guide you into lie. He will not support you into lie. He will not bear witness in the lie. He will guide you in the truth because he is the Spirit of Truth. वहाँ पर लिखा है कि वो सारे सत्य में आपको चलाएगा, वो कोई झूठी बातों के अंदर नहीं, लेकिन पूर्ण सत्य के अंदर आपको वो चलाएगा। For he will not speak of his own authority,
But whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. He will not speak on his own authority. He will only speak to you what he hears from God. वो खुद से आपसे नहीं बात करेगा, लेकिन वो ही बात करेगा जो वो सुनता है. And he will guide you for the things to come. और जो आने वाली बातें उसके अंदर आपको वो मार्गदर्शन करेगा. Verse 14, he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. He will glorify me. वहाँ पर लिखा है वो मुझे महिमावंत करेगा. Now Bible says Holy Spirit will not glorify anybody else. He will glorify God. वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा और किसी को महिमा नहीं देगा, वो केवल परमेश्वर को महिमा करेगा. He will glorify Jesus. वो यीशु को महिमा देगा. And all that the Father has in me, therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. I like that. All that Father has is in me. वहां पर लिखा है जो कुछ पिता के पास है वो मेरे अंदर है. And he will take from me. और वो मुझसे वो बातें लेगा. And he will declare to you. और वो आपको वो घोषित करेगा. Now here Bible says. यहाँ पर बाइबल कहती है. Number first is the spirit of truth. सबसे पहली बात वो सत्य का आत्मा है. Now Jesus is one. अभी यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक है. So when he goes. जब वे जाएंगे. He says I will send the Holy Spirit to you. तब मैं पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा. He does not say it. वहां पर वो नहीं कहता है कि. He say he. वहां पर लिखा है वो. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Holy Spirit was there from the beginning. पवित्र आत्मा शुरुआत से. In the beginning, Holy Spirit was moving on the earth. हम देखते हैं शुरुआत के अंदर पवित्र आत्मा इस भूमि पर मंडरा रहा था. On the water. उस पानी पर वो मंडरा रहा था. And we can see. और हम देखते हैं. God spoke the word. परमेश्वर ने वो शब्द बोला. And Holy Spirit manifested God's word into reality. और पवित्र आत्मा ने वो शब्द लेकर उसको एक सच्चाई में बदल दिया. And then we can see in Old Testament. और हम जूने नियम में हम देखते हैं. That Holy Spirit used to come. कि पवित्र आत्मा उतरता था. And used to do the work. और वो अपना कार्य करता. And go back. और फिर से चले जाता. Samson used to be anointed. Samson को अभिषेक होता था. The Holy Spirit used to come. पवित्र आत्मा उस पर आता था. Do the work. वो कार्य पूरा करता. And go back. और फिर से चले. And they would become normal. और फिर से वो साधारण होते. So all throughout the Old Testament, पूरे जूने करार के अंदर we can see Holy Spirit coming down doing the work that God had sent him for. हम देखते हैं पवित्र आत्मा आकर वो कार्य करते थे और फिर से चले जाते. And then we can see in New Testament, और नए करार में हम देखते हैं that Jesus, कि यीशु मसीह, that when he was baptized, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, he was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गए. Now Holy Spirit was dwelling in him. और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था. 40 days he went into the wilderness. 40 दिन तक वो जंगल के अंदर थे. Bible says after 40 days. बाइबल में लिखा 40 दिन के बाद Jesus came in power. यीशु मसीह सामर्थ्य से आए. And Bible says, और बाइबल कहती है that all signs and wonders, कि चिन्ह और चमत्कार began to happen after Jesus was filled with the Holy Spirit. यीशु मसीह को जब पवित्र आत्मा ने भर दिया तब ये सब चिन्ह चमत्कार होने लगे. People amazed. लोग देखकर बहुत आश्चर्य करते थे. Jesus became popular. यीशु मसीह बहुत प्रसिद्ध हो गए. And the Bible says, और बाइबल कहती है that people saw the signs and wonders. लोगों ने वो चिन्ह और चमत्कार को देखा. The demons screaming and coming out. वहाँ पर दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बाहर आते. Before that they never saw that. उसके पहला ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा. Now let me tell you, Holy Spirit is God himself. मुझे आपको बताने दो, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर. Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा जब आते हैं. Now he was in Jesus. अभी वो यीशु के अंदर था. Now Jesus is son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. And with the manifestation of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के अंदर. Jesus did 3.5 year ministry. यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई की. He died. वो मरे. And before dying. और मरने के पहले. He said. वो कहने. I will send a comforter to you. वो कहने लगी मैं सहायक तुम्हारे I will send the spirit of truth to you. मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा. And the Holy Spirit will come in you. और पवित्र आत्मा तुम में आएगा. And he will guide you. और वो तुम्हें चलाएगा. The world doesn't know. ये जगत उसको पहचानता नहीं. But you know. लेकिन आप जानते हैं. Right now. इस समय he is with you. वो आपके साथ है. But afterwards, लेकिन इसके बाद he will be in you. वो आपके अंदर रहेंगे. And Jesus died. और यीशु मसीह जब मर गए, he rose again. वो जिंदा हुए. And on 50th day, और 50वें दिन he sent Holy Spirit on the earth. उन्होंने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर. And 120 people received Holy Spirit. और 120 लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गए, उसको ग्रहण किया. And 120 people, और ये 120 लोग, we can see that they were not ordinary after being filled with the Holy Spirit. अभी हम देखते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं थे जब पवित्र आत्मा
आत्मा ने उनको भर दिया. They became extraordinary. वो असाधारण बन गए. And the Bible says. और बाइबल कहती है. This disciple ran into this world with the power of God. ये चेले परमेश्वर के सामर्थ को लेकर इस पृथ्वी के अंदर दौड़े. They were led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उनको चलाता था. Holy Spirit led them. पवित्र आत्मा उनको चलाता था. Guided them. उनको मार्गदर्शन करता था. Confirmed the word of God with signs and wonders. जो प्रभु का वचन है उसको चिन्ह चमत्कार के द्वारा. They never had Bible with them. उनके पास बाइबल नहीं था. But the Holy Spirit in them. लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर. Speaking of God. परमेश्वर के विषय में reminding of Jesus. याद दिलाता था यीशु के बारे में. Guiding them. और उनको चलाता. And these 12 disciples. और ये 12 चेले. Bible says they shook the world upside down with the power of the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इस जगत को हिला दिया. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति. When you receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, you receive power of God. हमको परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होता है. Strength of God. हमको परमेश्वर का बल प्राप्त होता है. Now there's certain thing I want to share with you. कुछ बातें मुझे आपसे बांटना है. I want to tell you. मुझे आपसे बताना है. The simplest thing that happens when the Holy Spirit comes in us. जो आसान बातें होती है जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है. That many times we are not aware of it. कि उसके विषय में हम जानते नहीं. Number first, when the Holy Spirit comes. सबसे पहली बात जब पवित्र आत्मा आता है. Inward filling of the Holy Spirit is outward. Sign is praying in tongues. जब हम अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा भरते हैं, तो उसका चिन्ह अन्य भाषा के रूप में सबको दिखाई देता है. That is one of the signs. ये एक चिन्ह है. But let me tell you. लेकिन मुझे आपको बताना है. To be more sure about being filled with the Holy Spirit. कि हमको पूरा तरह के विश्वास हो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. How do you know a person is filled with the Holy Spirit? हम कैसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है? Bible says. बाइबल में लिखा है. When the Spirit of truth will come to you. जब सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा. You know, Bible says you shall know the truth and truth shall set you free. बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुमको बंधन मुक्त करेगा. When the spirit of truth comes into you. जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर आता है. He set you free from all the lie. हमको सारी झूठी बातों से वो छुटकारा देता है. Bible says when the spirit of truth come to you. बाइबल में लिखा जब सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा. You start living in truth. हम सत्य के अंदर जीवन जीना सीखते हैं. The most important thing. सबसे महत्व की बात. When the holy spirit comes into us. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है. Our life changes. हमारा जीवन बदलता है. If a life is not changed, यदि हमारा जीवन बदला हुआ नहीं है, there's something wrong in us. तो कुछ तो भी गलत हमारे अंदर है. We may be praying in tongue and imitating somebody else. शायद से हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और किसी का हम नकल करते हैं. We are living in imagination. हम हमारे सोच और कल्पनाओं के अंदर जी रहे हैं. But yet we don't have encounter with God. फिर भी हमारा परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं है. Having Holy Spirit, having the encounter with God. पवित्र आत्मा जब होता है, हमारा मुलाकात परमेश्वर से होता है. Bible says. बाइबल कहती है. That Abraham is one. अब्राहम जो एक था. The Isaac is one. इसाक भी एक था. But Jacob is become nation. लेकिन याकूब एक राष्ट्र बन गया. Exact the way. उसी तरह. One father. एक पिता. One Jesus. एक यीशु. And Holy Spirit is making nation. और पवित्र आत्मा एक जाति को तैयार कर रहा है. So people like us who are deceiver. तो लोग हमारे जैसे जो फसाने वाले. People who are like sinner. जो हम जैसे पापी. Holy Spirit is taken. पवित्र आत्मा ने हमको लिया है. Through Jesus cleansed. यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किया है. And changing us. और हमको बदल रहा है. Into image of God. ताकि हम प्रभु के रूप में. And making nation of God. और हम हमको प्रभु के राष्ट्र बना. Bible says we are holy nation. बाइबल लिखा है पवित्र राष्ट्र है. We are God's chosen people. हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं. We are God's chosen generation. हम प्रभु के चुने हुए पीढ़ी हैं. So Holy Spirit is making nation. तो पवित्र आत्मा एक राष्ट्र बना रहा है. And today Holy Spirit has come. और आज पवित्र आत्मा आया है. And the lives of man and woman and children. और लोगों के जीवन और मनुष्य के जीवन और बच्चों के जीवन. He is forming Christ in every body. वो हर एक के अंदर यीशु मसीह को बना रहा है. And is making image of Christ. और यीशु मसीह के चरित्र को वो निर्माण कर रहा है. And is making the holy nation. और वो एक पवित्र राष्ट्र बना रहा है. So when the Holy Spirit come in us. तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है. Bible says our life changes. बाइबल में लिखा हमारा जीवन बदलता है. As from Jacob, he says that you shall be called Israel. जैसे याकूब से वो इसराइल बना. So from us. God changes us into Christ. उसी तरह हमारा जीवन लेकर प्रभु हमको यीशु के तरह बनाता है. So when Holy Spirit comes in us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, our life changes. हमारा जीवन बदलता है. If our life is not changed, अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, there is something wrong. तो कुछ तो भी गलत है. Our life has to be changed. हमारे जीवन को बदलना ही है. Change life can be seen. एक बदलता हुआ जीवन लोग देख सकते हैं. There is a lie going on today. आज एक बहुत झूठी बात ऐसी चल रही है. People have changed the church. लोगों ने कलीसिया को बदल दिया. I was going to this church, now I'm going to this church. मैं पहले ये कलीसिया जाता, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ. I'm going to this religion, now I'm going to this religion. पहले मैं ऐसे धर्म में जाता हूँ, अभी ऐसा धर्म स्वीकार. I was this before and now I'm this now. पहले मैं ऐसा था, अब मैं वैसा हूँ. My name is changed. मेरा नाम बदल गया. It's a lie. ये झूठा. You are not changing church. हम चर्च नहीं बदलते. When the Holy Spirit comes. जब पवित्र आत्मा आता है. Your life changes. हमारा जीवन बदलता. If our life is not changed, अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा, there's something wrong. तो कुछ तो भी गलत है. We join to other church. जब हम दूसरे कलीसिया में जाते हैं, the church will not be blessed. वो कलीसिया आशीषित नहीं होगा. Problem is not in church.
समस्या चर्च के अंदर Problem नहीं है, is in us. समस्या हमारे अंदर We need to change ourselves. हमको अपने आप को बदलना If है। you are in a church, यदि हम एक ऐसे चर्च में हैं, with the right doctrine, जो सही सिद्धांत है, you don't need to change. आपको बदलना नहीं है। You know, you need to change ourselves. हमको अपने आप को बदलना है। When Holy Spirit comes, there are few things I want to share with you. जब पवित्र आत्मा आता है, कुछ बातें मुझे आपको बताना है। Bible says, Bible कहती है, when Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He will convict you of sin. वो तुम्हें पाप के विषय में एहसास दिलाएगा. Clearly Jesus says, बहुत साफ रूप से यीशु कहते हैं, When the Spirit of Truth come in you, जब सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, He will convict you of sin. वो तुम्हारे अंदर पाप का एहसास आपको दिलाएगा. World will not convict you, जगत आपको एहसास नहीं दिलाएगा. But the Holy Spirit will convict लेकिन you. पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएगा. Today let me tell you, my friend, मुझे आज आपको बताने दो. There's nobody has a sanctification. Hope of sanctification in this world. इस दुनिया के अंदर पवित्र होने की आशा किसी के पास नहीं है. Not in college. कॉलेज के अंदर नहीं. Not in gym. ना जिम के अंदर. Not in Bollywood and Hollywood. Hollywood, Bollywood में भी नहीं. Nobody will teach you. कोई भी आपको सिखाएगा There's नहीं. There's no way that you and your children. ऐसे जगह कहाँ पर भी नहीं जहाँ पर आप और आपके बच्चे. Where there's a hope of sanctification. जहाँ पर पवित्र होने की आशा है. Where we are guided. जहाँ पर हम मार्गदर्शन होता है. Where our nature changes. जहाँ पर हमारा जीवन हमारा स्वभाव बदलता है. That is only Church of Lord Jesus. वो एक ही जगह है जो यीशु मसीह की कलीसिया है. In the Church of the Lord Jesus. यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर. We are convicted of our sins. हमारे पाप का एहसास होता है. We are given hope. हमको आशा मिलती है. Hope of righteousness. एक धार्मिकता की आशा. And change of our life. और एक जीवन बदलने की आशा. It is very important. ये बहुत महत्व का है. Only church can convict us. केवल कलीसिया हमको एहसास दिला सकता है. That also the church with the spirit-filled church. और वो कलीसिया जहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है. So when Holy Spirit come. जब पवित्र आत्मा आता है. Holy Spirit convict you of sin. पवित्र आत्मा हमको पाप के विषय में एहसास दिलाता है. When Holy Spirit come, जब पवित्र आत्मा आता है, and we are not aware of sin, और हमको पाप के विषय में कुछ जानिव नहीं है, there's something wrong. तब कुछ तो भी गलत है. Because Holy Spirit makes us like Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा हमको यीशु के जैसे बनाता है. Holy Spirit has come in our life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है. To make us son of God. ताकि हम परमेश्वर के संतान बने. Bible says, as many as received Him. बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसको स्वीकारा. That is Jesus. यानी यीशु को. Gave the power to become the sons of God. उनको सामर्थ दिया गया है ताकि वो परमेश्वर के पुत्र बने. So Holy Spirit has given to us to become the son of God. तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बने. Holy Spirit is forming us Christ in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु को बना रहा है. As the Holy Spirit came on Mary. जैसे पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा. And formed Christ in a womb. और मरिया के गर्भ में यीशु को बनाया. So Holy Spirit has come in us. उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है. And forming Christ in a Image. और हम हमारे जीवन के अंदर यीशु के स्वरूप Every को बना रहा है. Changing us like Jesus. हर रोज वो हमको बदलता है और यीशु के रूप में लाता so, Holy Spirit convict us of sin. तो सबसे पहली बात पवित्र आत्मा हमको पाप के विषय में एहसास दिलाता है. If people have not encountered with God, they do not know sin. अगर लोगों का मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुआ तो वो पाप को पहचान नहीं सकते. That is most important thing. ये बहुत महत्व की बात है. That we need to have encounter with God. कि हमारा मुलाकात परमेश्वर से होना है. You know, book of Isaiah said, Isaiah की किताब में ऐसा First कहता five है, chapter. पांचवें अध्याय में Isaiah said, O unto this one and O unto that nation, O unto this nation. वो Isaiah पहले पांच जो किताब है उसके अंदर वही कहता है कि इसके ऊपर हाय हाय, इसके ऊपर हाय हाय. But on the sixth chapter, लेकिन छठे अध्याय में हम देखते हैं Isaiah said, I saw heaven open. वहां पर वो कहता है कि मैंने स्वर्ग को खुलते हुए देखा. And he saw God sitting on the throne. और वहां पर उसने परमेश्वर को अपने सिंहासन पर And देखा. He saw flame fill the temple. और उन्होंने देखा कि वो ज्वाला वो मंदिर को भर दिया. And he said, और वो कहते हैं O unto me. ओ मेरी खुद पर मुझे हाय हाय. I am a man of unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठों का व्यक्ति हूँ. And I live among all the unclean people. और मैं सारे अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ. Now who told Isaiah? अभी ये बात Isaiah को किसने Nobody बताया? Nobody told Isaiah. किसी ने भी नहीं बताया. In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर. In the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता के अंदर. He was convicted. उसको एहसास हुआ. Of unworthiness of himself. कि वो कितना अयोग्य था. Unclean thing in him. जो अपवित्र बातें उसके अंदर थी. In upper vision. जो ऊपर का दृष्टांत है he got inward vision. उसको अंदर का दृष्टांत में And he began to realize और वो जानने लगा that uncleanliness जो अपवित्रता उसके अंदर that was in him जो उसके अंदर थी And he began to confess और फिर वो कबूल करने लगा it was nobody else कोई भी व्यक्ति नहीं but था but the presence of God convicted him he was wrong लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने उसको एहसास दिलाया था कि वो गलत है when you get into presence of God जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं you begin to be convicted the wrong thing that we do हमको वो सारे गलत बातों का एहसास होने लगता है we cannot be convicted by people लोग हमको एहसास नहीं दिला सकते when we look to people we say thank God I am better than others जब हम लोगों को देखते हैं हम बोलते हैं धन्यवाद मैं उससे अच्छा हूँ when we look to people जब हम लोगों को देखते हैं we say I am doing what right हम कहते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ we always try to you know
look at the weaker Christians. हमेशा हम कमजोर क्रिस्ती को देखते हैं, मसीह को देखते हैं. Our call is not weaker Christian. हमारा बुलावा जो कमजोर मसीह है वो नहीं है. Our call is to be like Jesus. हमारा बुलावा है ताकि हम यीशु की तरह बने. Jesus said. यीशु कहते हैं. If you have seen me, you have seen my Father. यदि तुम मुझको देखते, तुमने पिता को देखा. He didn't say. वहाँ पर उन्होंने नहीं कहा. If you have seen my disciple, you have seen me. यदि तुमने मेरे चेलों को देखा, तो तुमने मुझे देखा. He didn't say I am better than all others. वो नहीं कहने लगे कि मैं इनसे अच्छा हूँ. He compared himself with his Father. लेकिन यीशु मसीह ने अपना तुलना पिता से किया. Let us stop comparing ourselves with weak Christians. आज हम बंद करें हमारा तुलना कमजोर मसीहों के साथ करने का. Let us look to Jesus. आज हम यीशु को देखेंगे. Who is a forerunner? जो हमारे आगे चलता है. Who is a model? जो हमारा मॉडल है. Who is a example? जो हमारा उदाहरण है. Who is a Lord? जो हमारा प्रभु है. And in him we have fullness of God. और उसके अंदर हम हमारे पास परमेश्वर का पूर्णता है. And Holy Spirit has come to make us like Jesus. और पवित्र आत्मा आया है ताकि हम यीशु की तरह बने. Today being convicted of sin. आज पाप का एहसास होना. Is more important. ये बहुत जरूरी है. Holy Spirit convict us of sin. पवित्र आत्मा हमको पाप के विषय में एहसास When Jesus went into the Peter's boat, जब यीशु मसीह पतरस के नाव के अंदर चले गए, and when he did the miracle and so many fish came, जब उन्होंने चमत्कार किया और इतने सारे मछलियां आ गए, and when Peter realized, तब पतरस को एहसास हुआ, that he is God, कि ये परमेश्वर है, he is God in the flesh, ये परमेश्वर जो देह रूप में है, Bible says Peter fell before him, Bible में लिखा पतरस उसके सामने गिरे, he said I am unworthy, और वो कहने लगा मैं अयोग्य हूँ, to have you in my boat, कि तू मेरे नाव में है, when he was convicted, जब उनको एहसास हुआ, when he came in the presence of Jesus, जब वो यीशु की उपस्थिति में, he was convicted. तब उसको एहसास हुआ the wrong thing. कि जो गलत बात है, जो बुरी बात है. When Jesus went into Zacchaeus' house, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जक्के के घर में गए, Zacchaeus accepted him in the house. जक्के ने उसको अपने घर में लिया. He called him in the house. उसको अपने घर में बुलाया. And after Jesus went there, और जब यीशु वहां पर चले गए, Zacchaeus began to get convicted. तब Zacchaeus को सब बातों का एहसास होने लगा. Everything that the wrong that he has done. जो भी गलत उसने किया उसका एहसास उसको होने लगा. And Holy Spirit convicted him. और पवित्र आत्मा ने उसको एहसास दिलाया. And he said. और वो कहने लगा. Jesus didn't even say anything. यीशु मसीह ने उससे कुछ भी बात नहीं कहा. And he said. फिर भी वो उसने कहा. I will pay back four times for those people whom I have deceived. जिनको मैंने फंसाया उनको चार गुना में लौटाऊंगा. You know, it's not that Zacchaeus was caught in 10 people, so he said, okay, I'll give back 10 people. That is my repentance. He said, thank God, he doesn't know another 40 people I deceived. But Jesus didn't even say. Zacchaeus said, every person that I deceive. वहां पर हम देखते हैं चेंज ऑफ हार्ट. हम देखते हैं हृदय का परिवर्तन. वहां पर हम देखते हैं जकेस को पकड़ाया नहीं गया, वो किसी के सामने गलत नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर जो कुछ उसने गलत किया, जो कुछ उसने पाप किया, उसका एहसास उसको हुआ. होली स्पिरिट कन्विक्टेड हिम. पवित्र आत्मा ने उसको एहसास दिलाया. When the Holy Spirit comes in us, Jesus comes in us. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तब यीशु हमारे अंदर आता है. And in us, Holy Spirit convicts us what wrong we are doing. और हमारे अंदर पवित्र आत्मा को एहसास दिलाता है जो गलत हम कर रहे हैं. I can deceive everybody. मैं सबको फंसा सकता हूँ. But when the Holy Spirit is in me, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, I cannot deceive God. मैं परमेश्वर को फंसा नहीं सकता हूँ. You know, I need to realize. मुझे ये बात जान कर लेना है. When the Holy Spirit comes in me, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है, it changes. Bible says, it gives me new heart. बाइबल में लिखा है वो हमको एक नया हृदय देता है. No different that you can see in Old Testament and New Testament. हम जो फर्क देखते हैं जो नए करार के अंदर और नए करार. The law and grace. जो नियम और जो कृपा है. One rich man said to Jesus. एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आता What है. What can I do? मैं क्या करूं? To enter in the kingdom of to have the inheritance of kingdom of God. ताकि मैं परमेश्वर के राज्य को वतन पाऊं. What can I do? मैं क्या बातें करूं? To have the inheritance of heaven. कि मैं स्वर्ग के राज्य को पा सकूं. And Jesus said, और यीशु ने उससे कहा, Obey the Lord thy God. अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान. Keep the commandment. वो सारे आज्ञाओं को तू पाल. He said, I do everything. वो कहता है मैं सब कुछ करता हूँ. Jesus said, यीशु मसीह उससे कहता है, Leave everything and follow me. अभी जो कुछ तेरे पास है वो छोड़कर मेरे पीछे हो. And he could not. लेकिन वो कर नहीं पाता. Because the first very commandment. क्योंकि सबसे पहली जो आज्ञा हम देखते हैं. Love the Lord thy God. अपने परमेश्वर से. With all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your Substance. अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से बल से ताकत से और जो कुछ तुम्हारे पास है उससे आप प्रेम करो. He could not. वो बात को वो पूरा नहीं कर सका. He could not understand. वो समझ नहीं सका. And he turned back. और वहां से वो पलट गया. He never had Holy Spirit in him. उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था. He was looking through the law. वो नियम के द्वारा देख रहा था. But Zacchaeus.
जो जक्कई को हम देखते हैं when Zacchaeus saw Jesus in grace that I am no worthy but he's come into me grace changed his life जब जक्कई ने देखा कि मैं कोई योग्य का नहीं हूं लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आता है कृपा उसको मिलती है अनुग्रह के द्वारा उसका जीवन बदल जाता when है when holy spirit come in us जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता we है we began to understand the grace of god हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं we get convicted of sin हमको पाप का एहसास होने लगता है we know sin us हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो we पाप don't है judge others हम किसी का न्याय नहीं करते we start judging ourselves अपने आप का न्याय करने शुरू करते हैं। That's why Bible says when you take the communion, judge yourself. इसलिए बाइबल में लिखा है जब तुम प्रभु भोजन लोगे तो अपने आप का न्याय करो। Holy Spirit convicts us of sin. पवित्र आत्मा हमको पाप का एहसास दिलाता है। And when we are convicted of sin, और जब हमको पाप का एहसास होता है, then we get out of those sin. तब हम वो पाप से बाहर निकल आते हैं। You shall know the truth and truth shall set you free. आप सत्य को जानोगे और ये सत्य आपको बंधन मुक्त करेगा। Holy Spirit convict you. पवित्र आत्मा हमको एहसास दिलाता है। Of the wrong thing that you do. जो गलती हम करते हैं। And that is the most important thing. और ये सबसे महत्व की बात है that we know God is in us. कि हम जानते परमेश्वर हमारे अंदर you know, है। Somebody asked me a question. एक व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न पूछा that when John the Baptist was inside the prison, जब यूहन्ना बपतिस्मा जो जब जेल के अंदर था he said, वहां पर वो कहता है to Jesus, are you the one or shall we wait for somebody else? Why he doubted it, Jesus? वो पूछने लगा कि यीशु मसीह क्या तू वही मसीहा है क्या हम दूसरे का इंतजार करें? But when Paul and Silas, लेकिन जब पॉल और सिलास को when they were in the prison, लेकिन जब ये लोग जेल में थे, Bible says, Bible कहती है, midnight they began to worship and praise God. मध्यरात के अंदर वो प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगे. Because John the Baptist, क्योंकि जो यूहन बपतिस्मा देने वाला था, he was a born of woman. वो स्त्री से जन्मा हुआ था. Nobody greater than him. उससे कोई भी महान नहीं था. But Jesus said, लेकिन यीशु कहता है, everybody who is born of spirit, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, least of them, सबसे छोटा उसमें से, is greater than John the Baptist. वो यूहन बपतिस्मा देने वाले से भी बढ़कर है. So God is in him. तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके अंदर है. John the Baptist didn't have the Holy Spirit. यूहन बपतिस्मा देने वाले के पास पवित्र आत्मा नहीं था. Because Jesus was the one who was baptizing with the fire. क्योंकि यीशु मसीह वो थे जो अग्नि से बपतिस्मा दे रहे थे. But let me tell you. लेकिन मुझे आपको बताने दो. Jesus was outside. यीशु मसीह बाहर थे. But when when Paul and Silas were in the prison. लेकिन जब पॉल और सिलास उस जेल के अंदर थे. The Jesus was in them in the Holy Ghost. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर था. And that's why they did not doubt it. और इसलिए उन्होंने शक नहीं किया. They knew God in them. वो जानते थे परमेश्वर हमारे अंदर है. When the Holy Spirit comes in you, you know God. In you. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम समझते परमेश्वर हमारे अंदर है. He convicts you of the sin. वो हमको पाप का एहसास दिलाता है. He delivers us from the sin. वो हमारे हमको सब पापों से छुटकारा देता है. He sets us from the sin. वो हमको पाप से आजाद करता है. That's only Holy Spirit can do. ये केवल पवित्र आत्मा कर सकता है. Holy Spirit with his power. पवित्र आत्मा उसके सामर्थ्य के द्वारा. He can deliver us. वो हमको छुटकारा दे सकता है. From all the sin. सारे पापों से. Bible says he'll convict you of the sin. बाइबल लिखा है वो तुमको पाप के विषय में एहसास दिलाएगा. He'll convict you of the sin. वो तुमको पाप के विषय में एहसास दिलाएगा. Praise God for Holy Spirit. आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के When लिए. He comes, जब वो आता है, He'll convict you of the sin. वो हमको पाप का एहसास दिलाता है. I know it's more important to listen about Holy Spirit. मैं जानता हूँ ये बहुत महत्व का है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में सुने. Works of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य को. We don't need only knowledge. आज हमको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए. We need manifestation. आज हमको उसका प्रकटीकरण चाहिए. And we want Holy Spirit to bear witness in us. और हम ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक गवाही दे. And we want to be real people. और हमको सच्चे लोग बनना है. And I pray. और मैं यही प्रार्थना करता हूं दैट वे मे कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग कि हम कल सुबह ये बातों के अंदर जारी रहेंगे अबाउट द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को एंड आई प्रे और मैं प्रार्थना करता हूं दैट ऑल ऑफ यू कि हम में से हर एक जन मे बी ब्लेस हम आशीष पाए एंड स्ट्रेंथन बाय होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाए एंड मे नॉट और मिस व्हाट गॉड हैज फॉर अस जो प्रभु ने रखा है उसको हम गवाए नहीं लेट हैव द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट अब पवित्र आत्मा का संगति हमारे जीवन में ही इज अ पर्सन वो एक व्यक्ति है राइट नाउ अब Thank you, Father. पिता धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम से. For every person. हर एक व्यक्ति के. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. As we continue, Lord. जैसे हम इसके अंदर जारी रखेंगे. Bless people. हर एक को आशीषित. That we may realize. कि हम ये बातों को समझें. And come more closer to you. और तेरे और करीब आए. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. 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 Thank you.